हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे और आज हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में, यानी कि जोड़ या घटाव यानी कि अंतर को हम लोग गुना में ट्रांसफॉर्म करेंगे। और उसके लिए ये चार फॉर्मूला है, इस चारों को हम लोग यूज करेंगे। और प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि मैं ये हर एक फॉर्मूला को सिद्ध कर चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला को सिद्ध नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूज करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप इसे क्या कीजिए कि एक बार नोट कर लीजिए। और जो बच्चे अभी तक उस फॉर्मूला का प्रूफ को नहीं देखे हैं, मैं कहूँगा कि आप उस फॉर्मूला को देख लें। और हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, हम लोग अदर देन एनसीईआरटी आज पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग अदर बुक से पढ़ेंगे, जो कि आपका यूज होगा क्लास 11 के मैथ में, 12 के मैथ में यूज होता है, पॉलिटेक्निक में यूज होता है, समझिए। तो ये 11, 12 पॉलिटेक्निक सभी के लिए। और कंपटीशन की बात कीजिएगा तो आपका SSC, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, NDA, इंजीनियरिंग, ये सब में इस फॉर्मूला का यूज होता है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का रीढ़ का हड्डी है, समझ गए आप। देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज होता है, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो, हर जगह पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। तो आपको इसको विशेष ध्यान से पढ़ना चाहिए। आइए, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए, अब हम लोग कुछ सवाल को बनाते हैं। क्या है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट, यानी कि ये चार क्वेश्चन दिया हुआ है, इस चारों को आपको प्रोडक्ट में बदलना है, यानी कि जोड़ में बदलना, जोड़ नहीं बल्कि जोड़ और घटाव को गुना में आपको बदलना है, समझिए। क्या है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट, यानी कि प्लस या माइनस में आपका दिया हुआ है और इस चीज को प्रोडक्ट यानी कि हम लोगों को गुना में बदलना। कैसे बदलिएगा, आइए। सॉल्यूशन वन नंबर देखें तो क्या है, साइन 4θ प्लस साइन 2θ, और इसमें फॉर्मूला आप लगा दीजिए कौन सा, तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 sin C + D/2 इंटू कॉस C - D/2 होता है, समझिए। और यहां पर C के जगह पे 4θ है और D के जगह पर 2θ है, तो क्या कीजिएगा, कैसे लिखिएगा, 2 sin 4θ + 2θ/2, सी और डी का वैल्यू मैं रख दिया, इंटू कॉस 4θ - 2θ/2, और इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 sin 4 और 2 6 6 को 2 से भाग दीजिएगा 3, यानी कि 3θ इंटू कॉस 4 से 2 गया 2, 2/2 सिर्फ थीटा बचेगा, थीटा, और यही आपका हो गया आंसर। आप देख लीजिए कि यहाँ पर यह प्लस में था और इसको हम लोग प्रोडक्ट में लेते आए, ठीक है बच्चों। आइए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि ऐसा है कि ये 2 नंबर आप पढ़ लीजिएगा अपने से, 3 भी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको 4 बताता हूँ। 4 आपका है cos 6θ - cos 8θ, और देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा cos C - cos D = -2 sin C + D/2 इंटू sin C - D/2, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो C के जगह पे है 6θ और D के जगह पे है 8θ, तो क्या हो जाएगा, -2 sin C
6 थीटा प्लस 8 थीटा बाय 2 इनटू साइन 6 थीटा माइनस 8 थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन 6 प्लस 8 तो कितना होगा 14 14 बाय 2 7 यानी कि 7 थीटा इनटू साइन 6 माइनस 8 तो माइनस 2 थीटा और 2 से डिवाइड कीजिएगा ये आपका हो जाएगा माइनस थीटा और माइनस थीटा आपका जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा यानी कि माइनस 2 साइन 7 थीटा और माइनस साइन थीटा तो माइनस इनटू माइनस कितना हो गया प्लस यानी कि 2 साइन 7 थीटा इनटू साइन थीटा और यही आपका हो गया आंसर। होप कि आप इसको समझ गए होंगे। मैं यहां पर जो दो क्वेश्चन छोड़ा हूं ये दो क्वेश्चन ये आपका रहा एचडब्ल्यू, आप इसको अपने से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चे, आइए आप इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। क्या कहता है? कहता है कि साइन ए प्लस साइन थ्री ए प्लस साइन फाइव ए प्लस साइन सेवन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस थ्री ए प्लस कॉस फाइव ए प्लस कॉस सेवन ए इक्वल टू दिखाना है टेन फोर ए। तो कैसे दिखाइएगा, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एलएचएस बराबर लिखिए, एलएचएस बराबर हो गया आपका साइन ए प्लस साइन थ्री एक साथ ले लीजिए, साइन फाइव ए प्लस साइन सेवन है एक साथ ले लीजिए, क्योंकि हम लोग दो को एक साथ लेकर फॉर्मूला जानते हैं। नीचे भी वही कीजिए, आप क्या कीजिएगा कि कॉस ए प्लस कॉस थ्री ए प्लस कॉस फाइव ए और कॉस आपका हो गया सेवन है। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला क्या यूज होगा। तो फॉर्मूला यूज होगा साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू और फिर एक फॉर्मूला होगा कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू। समझ गए, इसी दो फॉर्मूला को हम लोगों को अप्लाई करना है। देखिए सी डी सी डी सी डी सी डी, ठीक है बच्चों, आइए इसको अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई कीजिएगा, तो इक्वल टू यहां पर 2 साइन, एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है तो a प्लस 3 a बाय 2 इंटू कॉस a माइनस 3 a बाय 2। फिर से यही फॉर्मूला आप यहां पर अप्लाई कीजिए, तो 2 साइन 5 a प्लस 7 a बाय 2 इंटू कॉस 5 a माइनस 7 a बाय 2 और नीचे आप कॉस का फॉर्मूला लगा दीजिएगा यानी कि 2 कॉस a प्लस 3 a बाय 2 इंटू कॉस a माइनस 3 a बाय 2 प्लस है प्लस दे दीजिए यहां पर 2 कॉस 5 a प्लस 7 a बाय 2 इंटू कॉस 5 a माइनस 7 a बाय 2 हो गया। होप क्या आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बच्चों, आइए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो एक चीज देखिए कि दो ऊपर भी दोनों में है और नीचे भी दोनों में है, तो पहले तो आप दो कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा साइन 3 a प्लस a 4 a 4 a बाय 2 तो 2 a हो गया इंटू कॉस a माइनस 3 a माइनस 2 a 2 से डिवाइड कीजिएगा माइनस a प्लस साइन
5a प्लस 7 है 12 है, 2 से डिवाइड कीजिएगा 6 की इनटू कॉस 5 माइनस 7 है माइनस 2 है, 2 से डिवाइड कीजिएगा माइनस 8। और ठीक आप प्यारे बच्चों नीचे भी आप वही कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा बाबू, तो 2 कॉमन कॉस 2a इनटू कॉस माइनस 8 प्लस 2 कॉमन है cos 6a इनटू cos आपका हो गया माइनस 8। ठीक है, और अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है, पहले तो ये 2 और 2 आप कैंसिल कर दीजिए, 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया तो क्या बच गया देखिएगा, तो इक्वल टू हां। और एक चीज प्यारे बच्चों देखिए कि cos माइनस a ऊपर भी दोनों में है और नीचे भी दोनों में है, तो cos माइनस a को भी आप कॉमन ले लीजिए, तो cos माइनस a कॉमन, क्या बच गया यहां पर, यहां बच गया sin 2a और यहां पर cos sin 6a, बटे में नीचे आपका cos माइनस a कॉमन, cos माइनस a कॉमन, तो cos 2a प्लस cos 6a हो गया, और cos माइनस a ऊपर और नीचे आपका कैंसिल हो गया, इस दोनों को आप क्या किए, तो आप कैंसिल कर दिए और क्या बच गया, आप लिख दीजिए, बच गया sin 2a प्लस sin 6a बाय cos 2a प्लस cos 6a, और फिर वापस आपका यही दोनों फॉर्मूला लगेगा, अप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 2 sin 2a प्लस 6a बाय 2 इंटू cos 2a माइनस 6a बाय 2 बाय 2 cos 2a प्लस 6a बाय 2 इंटू cos 2a माइनस 6a बाय 2। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच गया देखिए, तो sin 2a प्लस 6a 8a 2 से डिवाइड कीजिएगा 4a हो जाएगा बाय सेम इसी तरह से cos 4a और sin बाय cos आपका हो जाता है 10, यानी कि ये आपका हो गया 10 4a इक्वल टू आर एच एस, हेंस तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, कोई बहुत ही भारी सवाल नहीं है, हाँ आसान ही था, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए बाबू। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कहता है कि साइन ए माइनस सी प्लस 2 साइन ए प्लस सी बाय साइन बी माइनस सी प्लस 2 साइन बी प्लस सी इक्वल टू, हम लोगों को दिखाना है साइन ए बाय साइन बी। आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन एलएचएस इक्वल टू, ऐसा कीजिए कि ए माइनस सी और ए प्लस सी वाले को एक साथ ले लीजिए, ऊपर और नीचे दोनों है, अब क्या क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस सी प्लस साइन ए प्लस सी एक साथ प्लस टू साइन ए बाय साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी प्लस सी एक साथ प्लस टू साइन बी। और कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू। ठीक है, तो ये पूरा आपका सी हो गया, ये डी, ये सी और ये आपका हो गया डी, अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस d,
यानी कि a माइनस सी प्लस ए प्लस सी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी ए माइनस सी, इसको माइनस कीजिएगा तो दोनों ही माइनस हो जाएगा बाय टू, और टू साइन ए तो अभी आपका बचा हुआ है प्लस टू साइन ए, और बटे में क्या हो गया तो बटे में आपका हो गया टू साइन सी, सी के जगह पे बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी, यानी कि बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी बाय टू प्लस टू साइन बी हो गया, ठीक है। और देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कट सकता है उसको आप काट लीजिए, तो सी सी कैंसिल, सी सी कैंसिल, ए ए कैंसिल, बी बी कैंसिल, तो क्या बच गया, तो आपका बच गया यहां पर टू साइन ए प्लस ए टू ए, और टू से डिवाइड कीजिएगा तो ए ही हो जाएगा, टू साइन ए इंटू कॉस माइनस सी माइनस सी माइनस टू सी बाय टू माइनस सी प्लस टू साइन ए बाय, यहां पर क्या हो गया b प्लस बी टू बी टू बी बाय टू तो b यानी कि टू साइन बी इंटू कॉस माइनस सी माइनस टू सी बाय टू माइनस सी प्लस टू साइन बी। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि दोनों ही कॉस आपका पॉजिटिव ही हो जाएगा। और अब देखिए प्यारे बच्चों तो आपका क्या बच गया, देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, टू साइन ए टू साइन ए, टू साइन बी कॉमन हो रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए, तो टू साइन ए कॉमन, इसका तो निगेटिव कैंसिल हो गया, कॉस सी प्लस वन, टू साइन बी कॉमन कॉस सी प्लस वन, और अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लीजिए, टू टू कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, दैट इज हम लोगों को क्या मिला, तो साइन ए बाय साइन बी, और यही चीज हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो होप कि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आइए बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है कि साइन 51 डिग्री प्लस कॉस 81 डिग्री इक्वल टू कॉस 21 डिग्री दिखाना, और दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पर एक साइन है तो दूसरा कॉस है, जबकि हम लोग फॉर्मूला तब जानते हैं जब या तो दोनों साइन हो या फिर दोनों कॉस हो, तो यहाँ पर एक लफड़ा लग गया, कोई बात नहीं है उस लफड़े को हटाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। सोल्यूशन LHS इक्वल टू हो गया साइन 51 डिग्री प्लस कॉस 81 डिग्री, या तो आपको साइन को कॉस में बदलना है या फिर कॉस को साइन में बदलना है, तो मान लीजिए कि मैं साइन को ही कॉस में बदलता हूं तो कैसे बदलेगा, इधर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस आप कितना लिख सकते हैं तो 39 डिग्री, यही ना, यदि 90 से 39 को आप माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 51 डिग्री, 5 3 8 9 10 बिल्कुल सही है, और प्लस कॉस 81 डिग्री हो गया, साइन 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, साइन पॉजिटिव होता है लेकिन 90 पे बदल जाएगा, यह आपका हो जाएगा कॉस 39 डिग्री प्लस कॉस 81 डिग्री,
और अब प्यारे बच्चों हम लोगों को फॉर्मूला लगा देना है cos c plus cos t का, यानी कि cos c plus cos t equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। c के जगह पर 39 डिग्री, d के जगह पर 81 डिग्री, यानी कि क्या हो गया देखिए तो 2 cos 39 डिग्री plus 81 डिग्री by 2 into cos 39 डिग्री minus 81 डिग्री by 2 equal to 2 cos 81 और 39 जोड़िएगा तो कितना 8 3 11 1 12 यानी कि 120 डिग्री, और 120 डिग्री को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 60 डिग्री इंटू कॉस 39 माइनस 81 तो कितना हो जाएगा 11 से आपका 9 गया 2 7 7 से 3 गया आपका 4 42 बाय 2 लेकिन आपको किसमें मिलेगा तो आपको मिलेगा निगेटिव यानी कि माइनस। तो देखिए तो अब आपका कितना हो गया 2 cos 60 डिग्री 1 by 2 होता है और cos आपका नेगेटिव में फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि माइनस थीटा तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है यानी कि ये हो गया cos 21 डिग्री। अब देखिए तो 2 और 2 आपके कैंसिल हो गया और फाइनली आपको क्या मिल गया तो आपको मिल गया cos 21 डिग्री equal to RHS, that is LHS equal to आपका हो गया RHS और बच्चों ये आपका हो गया C, ठीक है। तो hope कि ये concept आपको बिल्कुल clear होगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो अब मैं कुछ SW देता हूँ आपको बनाना है और फिर आप मुझे WhatsApp करके इसके answer को भेजिएगा, ठीक है। तो अब रहा आपका प्यारे बच्चों SW, ठीक है, आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप पूछिएगा, यदि सवाल बना लेते हैं तो बनाने के बाद में आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।